नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों ये चल रही है ड्रुपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की सीरीज़, और इसमें हम लोग अब तक कर चुके हैं कि हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर चुके हैं और पिछले वीडियोस में, और डिस्प्ले कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में अपने प्रोडक्ट को थोड़ा कटघराइज करेंगे। ठीक है, और जैसे कि आपने कुछ जैसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग देखी है, बगल में फिल्टर्स आते हैं कि आपको अगर फ़िल्टर करने हैं, कि जैसे कि अभी हम लोगों ने जो एग्ज़ाम्पल ले रखा है शूज़ का है, तो अब आगे चल के हम अपनी वेबसाइट्स में शर्ट्स ऐड करेंगे, तो वो कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, तो कैटेगरी के जो अंदर आएगा, तो जैसे शर्ट्स के अंदर है, तो ये अपने प्रोडक्ट को एक तरीके से पूरा कैटेगराइज करने का ऑप्शन है। ठीक है, कलेक्शन भी हम दे सकते हैं कि वो पहनने का है या इस तरीके का, टू कैरी है कि टू वियर है। ठीक है, जेंडर भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अपने वेबसाइट में अगर हम प्रोडक्ट फिल्टर कर रहे हैं तो ये मैंस के लिए, ये वुमेंस के लिए, ये बोथ के लिए। ठीक है, इस तरीके का, तो ये हम लोग करेंगे अपनी वेबसाइट्स में। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने वेबसाइट्स में फीड इंपोर्टर के थ्रू बल्क में प्रोडक्ट ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक कोई वेबसाइट्स में, जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, उसमें कोई एक दो प्रोडक्ट तो होते नहीं, उसमें 5,000 भी प्रोडक्ट हो सकते हैं और 1,00,000 भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग CSV के थ्रू बल्क में इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये दो टॉपिक हम उसमें कवर करते हैं। तो उस सबसे पहले हम लोग चलेंगे कंटेंट टाइप में, जो हमने बनाया था। ठीक है, तो कंटेंट टाइप के अंदर आप जो हम बनाएंगे, तो मैंस वुमेंस के लिए जो बनाया था, इसकी फील्ड्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ फील्ड्स ऐड करेंगे जो कि रहेंगी हमारी कैटेगरी, कलेक्शन और जेंडर। ठीक है, तो उससे पहले हमें टैक्सोनॉमी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्सोनॉमी ऐड करते हैं, कैटेगरी ऐड करते हैं। ठीक, ऐड हो गई हमारी कैटेगरी। ठीक है, और ऐड करते हैं कलेक्शन। और ऐड करते हैं जेंडर। ठीक है, अब चलते हैं अपने बल्क मैनेजर में और ऐड करते हैं जेंडर। तो जेंडर हमारे पास 3 है इस समय। ठीक है, तो सेव कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कलेक्शन है, कलेक्शन में चलते हैं। टैक्सोनॉमी कलेक्शन टू वियर टू कैरी। ठीक है, और ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, टी शर्ट्स। और ठीक है, तो इसको पूरा को कॉपी कर लिया आपने। ठीक है, और ये हमारा जाएगा कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लिया कि इसको हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐड हो गया। ठीक है, और सेव। अब दोस्तों करेंगे क्या कि हम लोग चलेंगे पहले अपने टैक्सोनॉमी में और कैटेगरीज के अंदर, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, अब हमारा शूज़ के अंदर हमारा क्या आएगा, मैन शूज़ एंड टी शर्ट, सॉरी वुमेन शूज़। ठीक है, टी शर्ट्स को हम लोग ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेरेंट्स और ये उसके दो चाइल्ड्स हो गए, तो उसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, शूज़ के अंदर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, मैंस या वुमेंस शूज़, मैंस और वुमेंस शूज़। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टैक्सोनॉमी में ऐड कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ अपनी फील्ड ऐड करेंगे। ठीक है, फील्ड कौन सी हमें ऐड करनी है, कैटेगरी ऐड करनी है, तो इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर कैटेगरी ऐड करते हैं। कैटेगरी में हम लोग क्या लेंगे, टर्म रेफरेंस और सेलेक्ट लिस्ट, और यहाँ पर हम लोग सेव करेंगे। यहाँ पर हम लोग कैटेगरी लेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई करने की ज़रूरत नहीं है, सेव। कलेक्शन, इसी तरह कलेक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, और टर्म रेफरेंस सेलेक्ट लिस्ट कलेक्शन वोकैबुलरी सेलेक्ट करेंगे, कलेक्शन सेव। नेक्स्ट लेंगे हमारा जेंडर। ठीक है, तो ये कलेक्शन हो गया, सेव, और जो नया ऐड करेंगे वो हो जाएगा हमारा जेंडर। ठीक है, टर्म रेफरेंस सेलेक्ट लिस्ट जेंडर,
जेंडर, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया। अब आप जब जाएंगे अपने कंटेंट टाइप में, जो आपने दो प्रोडक्ट डिस्प्ले किए थे, तो इनमें आप जब जाएंगे तो ये जो हमें जो शूज़ दिख रहा था वो हमारा मैन शूज़ है, लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो मैन शूज़ सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर, कलेक्शन, ठीक है, टू वियर, जेंडर मैन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट कैटेगराइज हो गया, ठीक है। और इसको हम दूसरे वाले को भी कर देंगे सिंपल, और बाद में हम जब कभी यूज़ करेंगे फीमेल का शूज़ या शर्ट्स तो हम लोग वो चूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हमारा मैंस का ही शूज़ है, और कलेक्शन सेलेक्ट कर दिया, और ये हमारा मैन सेलेक्ट हो गया, सेव कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा, क्योंकि हमारे पास दो ही प्रोडक्ट हैं इस समय अपनी वेबसाइट्स में, देखिए यहाँ प्रोडक्ट में जब जाएंगे तो आपके पास दो ही प्रोडक्ट हैं, और दो प्रोडक्ट को आपने डिस्प्ले कर रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोडक्ट और ऐड करने हैं, तो वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड करने से अच्छा है कि हम बल्क में कुछ इंपोर्ट करके देखें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास ये ऑप्शन है, हमारे पास फीड इंपोर्टर है, ड्रूपल में कंट्रीब्यूट मॉड्यूल है, फीड इंपोर्टर है। दूसरा फीड इंपोर्टर का हम पहले भी ट्यूटोरियल बना चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक नई चीज़ ये आएगी, क्योंकि इसमें एक कॉमर्स फीड आएगा, क्योंकि अभी इसमें दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक हमारा नोड प्रोसेसर, एक हमारा रहेगा कॉमर्स प्रोसेसर, ठीक है। कॉमर्स प्रोसेसर के थ्रू जब हम फीड इंपोर्टर बना के इसको इंपोर्ट करेंगे, तो हमारे जो कॉमर्स प्रोसेसर के थ्रू जो हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे वो हमारे यहाँ आएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप में जो प्रोडक्ट ऐड करेंगे वहाँ आएंगे। और नोड प्रोसेसर के थ्रू जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है, दो इंपोर्ट हमें कराने पड़ेंगे, तो वो हमारे आएंगे यहाँ पर डिस्प्ले के लिए, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ करनी है, प्रोडक्ट ऐड भी करना है और डिस्प्ले भी करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट इंपोर्टर, सॉरी, नोड प्रोसेसर और कॉमर्स प्रोसेसर, दो चीज़ें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं अपने वेबसाइट्स में, जिन्होंने मैनुअल इंस्टॉल करने का है वो मैनुअल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं, ड्रेस का यूज़ कर लेते हैं, और दोनों एक साथ ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट्स में, फीड, ये देखिए फीड इंपोर्टर आ गया, या हम लोग सर्च भी करेंगे तो भी हमारे पास ऑप्शन है फीड, ठीक है, फीड से आ गया। कॉमर्स फीड्स के लिए हमें फीड्स, फीड है हमारे पास, और कॉमर्स फीड्स के लिए हमें फीड्स चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं फीड्स क्या है, ठीक है, फीड्स भी हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग भी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ड्रेस डाउनलोड, अब चलते हैं और फीड सर्च करते हैं, फीड, तो हमारा फीड आ गया, ठीक है। तो फीड में कुछ, अब हमें जॉब शेड्यूल भी करना पड़ेगा दोस्तों, ये डिपेंडेंसीज हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप यहाँ भी आके देखेंगे तो डिपेंडेंसीज मिलेंगी आपको, ठीक है। ये देखिए जॉब शेड्यूलर आपको डिपेंडेंसीज में रहेगा, ठीक है। तो ये फीड्स हो गया, तो ये फीड जो इम्पोर्ट हम लोगों ने किया था ये शायद दूसरा कोई मॉड्यूल है, हम लोग को यूज़ जो हमको करना है फीड करना है, तो हम लोग इसको इनेबल नहीं करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फीड इम्पोर्ट यही है, ठीक है, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको करेंगे।
फिर हमें क्या करना है, जॉब सिम्युलेटर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम लोग उसको कॉपी कर लिया और ड्रेस डाउनलोड, ड्रेस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने फीड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीड। तो हमें इसमें क्या करना है, अपने को कॉमर्स फीड इंस्टॉल करना है, ठीक है। अपने कोई एग्जांपल से नहीं करना है, ठीक है। हमको कॉमर्स फीड करना है, फीड करना है, फीड, ठीक है। ये चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। इतने मॉड्यूल आपको फीड इंपोर्टर, फीड एंड एडमिन यूआई, ठीक है, ये आपको इनेबल करना है, ठीक है। जब इसको आप इनेबल करोगे तो आपसे डिपेंडेंसी मॉड्यूल्स भी इनेबल करेगा, ठीक है। तो इनेबल करने के बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर में एक नया मेनू ऐड हो जाएगा फीड इंपोर्टर का, ठीक है। चल के देखते हैं, कैश क्लियर करते हैं। आप वहाँ से भी जा सकते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में भी आप जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर में फीड इंपोर्टर में। देखिए हमारे पास फीड इंपोर्टर आ गया, ठीक है। और ये कुछ पहले से बने हुए नोड इंपोर्टर और ये यूज़र इंपोर्टर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने इंपोर्टर बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं ऐड इंपोर्टर में और अपने इंपोर्टर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट इंपोर्टर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट इंपोर्टर मतलब हो गया हमारा रिलेट हो गया ये कॉमर्स प्रोसेसर से, ठीक है। अभी कॉमर्स प्रोसेसर से क्या है मैं इसमें बताऊंगा आपको। ये सेटिंग कर लेते हैं, यहाँ आपको कुछ नहीं, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट इंपोर्टर है, मतलब हर 30 मिनट में चलेगा। तो इसको हम लोग ऑफ़ कर देते हैं, हमें एक ही बार इंपोर्ट करना है केवल, ठीक है। इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट क्या है, हम लोग सर्च करेंगे, फाइल अपलोड करके करेंगे, हम लोग HTTP से नहीं करेंगे, URL के थ्रू हम लोग फाइल अपलोड करके करेंगे, ठीक है। ये सेटिंग सेव कर ली, उसके बाद हम लोग ये कॉमन रखेंगे। उसके बाद जो हमारा है इसमें हम लोग देखिए CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लेंगे, तो हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद जो आएगा हमारा CSV, इसमें डेलीमीटर हम लोग या कॉमा यूज़ करेंगे, चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोसेसर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोसेसर में जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ नोड प्रोसेसर लगा हुआ है, हमें नोड प्रोसेसर ना सेलेक्ट करके हमें आपको क्या करना है, पहला वाला जो इंपोर्ट करेंगे वो हम लोग इंपोर्ट करेंगे कॉमर्स प्रोडक्ट प्रोसेसर, ठीक है। कॉमर्स प्रोडक्ट प्रोसेसर सेव कर लिया, और ठीक है यहाँ पर जो बंडल सेलेक्ट करेंगे हम लोग, जो हमारे प्रोडक्ट्स जितने भी टाइप्स हैं वो आ जाएंगे। अब जब आप सेलेक्ट करोगे प्रोसेसर कॉमर्स प्रोडक्ट प्रोसेसर, ठीक है, तो हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। और इसके बाद ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। एनोनिमस नहीं, एडमिन कर देते हैं, तो किसने प्रोडक्ट ऐड किए वो ये ऑथर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा मैपिंग है, ठीक है। मैपिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैपिंग ही, जैसे कि हम मैपिंग क्या करेंगे कि प्रोडक्ट टाइप जो हमारा एक पेज में हम लोग खोल लेंगे, स्टोर के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट टाइप, और इसमें ये मैनेज फील्ड में हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी फील्ड्स हो गई, ठीक है। इतनी हमारी फील्ड्स हो गए। अब इनको हमको मैपिंग करानी है इसकी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा देखिए हम लोग टाइटल ले लेते हैं, ठीक है। इस ये ज़रूरी नहीं है, आप जिस तरीके भी ले सकते हैं, ठीक है। और टाइटल में हम लोग प्रोडक्ट टाइटल डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंगे प्राइस, प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। और इनको सेव कर लेते हैं पहले, एक एक करके करना पड़ेगा हमें। उसके बाद हो गया प्राइस और प्रोडक्ट, फिर इसमें आएगा हमारा प्राइस अमाउंट, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं SKU, प्रोडक्ट का SKU, ठीक है, सॉरी शॉर्ट में लेके चलते हैं SKU, ठीक है। SKU प्रोडक्ट SKU ले लिया, ठीक है। इसको सेव कर दिया। उसके बाद हम लोग ले लेंगे स्टेटस, क्योंकि हमें स्टेटस भी डालना पड़ेगा,
ठीक है, स्टेटस भी आप डाल सकते हैं, स्टेटस सेव कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ले लेंगे, एक हमारे पास क्या बचा, साइज़ बचा, अभी हमें इमेज भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग इमेज भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग साइज़ ले लेते हैं, साइज़ ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट का हो गया, साइज 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 कहाँ गया, एक मिनट चेक करना पड़ेगा।